हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो कभी कभी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पेपर्स पे मिलता है कि सर्वाइकल इरोजन या सर्वाइकल एक्ट्रोपियन या नेबोथियन सिस्ट, तो क्या होते हैं ये? तो नॉर्मली जो सर्विक्स की लाइनिंग होती है वो एंडो सर्वाइकल सेल्स जो होते हैं वो कॉलमनार एपिथीलियम होती है, और जो सर्विक्स के बाहर एक्टो सर्विक्स होती है वो स्क्वामस एपिथीलियम होती है जो हार्ड होती है। जो कॉलमनर एपिथीलियम होती है बेसिकली वो म्यूकस सिक्रीट करती है। कभी कभी कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो अंदर की लाइनिंग है वो बाहर आ जाती है, तो वो सेक्रीशन सिक्रीट करती है म्यूकस लाइक, तो इसलिए पेशेंट को हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़े से सिक्रीशंस हो सकते हैं सर्विक्स का बाहर। और जो कॉलमनर एपिथीलियम होती है वो रेडिश होती है, जो बाहर की नॉर्मल एपिथीलियम होती है वो पिंकिश होती है स्क्वामस एपिथीलियम। तो जब कॉलमनर एपिथीलियम बाहर आ जाएगी तो वो रेडिश एक ब्लड टाइप का, एक इरोजन टाइप, छिला हुआ छाला इस टाइप का दिखता है। तो ये कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये कैंसर नहीं होता है, ना ही ये कैंसर में तब्दील होता है। तो कुछ जैसे कि प्रेगनेंसी है या आप हार्मोनल कंट्रोलिंग ओसीपीज ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं गर्भ निरोधक, या फिर टीनेजर्स हैं जिसमें जस्ट अभी एस्ट्रोजेनिक की एक्टिविटी स्टार्ट हुई है ओवरीज, तो उस समय ये ज़्यादा बढ़ जाता है। इरोजन्स या नेबोथियन सिस्ट भी इसे कहते हैं। छोटे छोटे 1 mm से लेके 1-2 cm के होते हैं नॉर्मली ये जो है नेबोथियन सिस्ट जो होते हैं ये सर्विक्स की जो ग्लैंड्स हैं उनको बंद कर देते हैं, तो उनमें म्यूकस सिक्रीटरी होती है, ये म्यूकस सिक्रीट होता है, तो वो म्यूकस जो है वो छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में दिखता है। ये अल्ट्रासाउंड पे भी दिख सकता है, और गायनाकोलॉजिस्ट जब आपका नेकेड आई पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो करते हैं उसमें भी दिख सकता है। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पेन हो सकता है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा डिप्रेस करके स्ट्रेच करके देखा जाता है, थोड़ा सा लेग्स भी अबडक्ट किए जाते हैं, थोड़ा सेपरेट किए जाते हैं, आपको टेबल के एज तक लाया जाएगा। इस समय जब चेकअप होगा तो आपको बताया जा सकता है कि आपको सर्विक्स में इरोजन है, या आपका एक्ट्रोपियन है, या नेबोथियन सिस्ट है, या अल्ट्रासाउंड में कभी कभी नेबोथियन सिस्ट की वो आती है, तो डॉक्टर आपको एक पैप स्मियर एडवाइस कर सकते हैं। इसमें भी एक वुडन स्पैटला से डॉक्टर इस तरह से घुमा के स्लाइड्स पर आपके सेल्स को ले लेंगे, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है। तो अगर पैप्समियर आपका ओके है, पैप्समियर से सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है। हालांकि ये इरोजन्स का, नेबोथियन सिस्ट का सर्वाइकल कैंसर में कभी भी तब्दील नहीं होते। इसका ओनली सिम्टम रहेगा कि आपको डिस्चार्ज रहेगा म्यूकस लाइक, और ब्लडी थोड़ा सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, या इंटरकॉर्स के बाद हस्बैंड से कॉन्टैक्ट के बाद स्लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, या गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन कर रही है उस समय भी अगर इरोजन है तो ब्लीड कर सकता है। तो इसलिए पैप्समियर से इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का भी यही सिम्टम होता है कि ब्लीड्स ऑन टच टच करने पे, लेकिन वो अलग ही ग्रोथ होती है, फ्राइबल होती है, टूट जाती है, झड़ती है, ठीक है? तो पैप्समियर से आपको पता चल जाएगा। अगर आपका हेल्दी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसका आप बात करते हैं कि इन इरोजन्स का, नेबोथियन सिस्ट का क्या ट्रीटमेंट है। कॉटराइज कर सकते हैं, कॉटरी हीट या कोल्ड से, ठीक है? गर्मी से डॉक्टर्स के पास इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होती है, उनसे कर सकते हैं, या क्रायोथेरेपी कोल्ड। क्रायोथेरेपी में भी डॉक्टर एक आइस बॉल बनाते हैं, और वो आइस बॉल जो है कुछ 3-4 mm तक अंदर सर्विक्स के जाती है, और वो सर्विक्स के सेल्स को चेंज कर देती है, तो वो जो सिक्रीशंस हैं वो सब आपके कम हो जाते हैं। जब भी आप क्रायोथेरेपी या कॉटरी कर रहे हैं तो उसके 3-4 हफ्ते तक आपको हस्बैंड से कांटेक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहना है ना? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। आपको गायनेकोलॉजिस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन, और शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आपसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो नेबोथियन सिस्ट में या सर्वाइकल इरोजन में इतना कोई घबराने की बात नहीं है, अपना टाइमली चेकअप कराते रहिए, ठीक है? अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हैवी हो रही है, या वेजाइनल डिस्चार्ज जो है पानी है, बैड स्मेल का है, बदबूदार है, सफ़ेद पानी, कर्डी है, दही है, तब वो आपका इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर वह सर्वाइकल
इरोजन की वजह से जो डिस्चार्ज है वो म्यूकॉइड टाइप ही, म्यूकस टाइप, नाक जैसा इस टाइप का रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।